नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम ईवीएस का पार्ट फोर करेंगे। इससे पहले हम तीन पार्ट कर चुके हैं। जिसने भी पहली तीन वीडियो नहीं देखी हैं, पहले वे सभी वीडियो देख लें, फिर ये वीडियो देखें। मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे दे दिया है। जिसने भी मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो फॉलो कर सकता है और कोई भी डाउट वगैरह है पूछ सकता है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिलेबस बता दो, कौन सी बुक लें। यह आपको भी पता है ईवीएस की ज़्यादातर मार्केट में कोई बुक नहीं है। अपनी तरफ से मैं कंप्लीट करवाऊंगा, मेरा यही कहना है। मैं अपनी तरफ से पूरा सिलेबस करवाऊंगा और जहाँ तक हो सके 25 नंबर का मेरे करवाए हुए में से आएगा। आप बस जो मैं करवा रहा हूँ इन्हीं के नोट्स बनाएं और इन्हीं को रिवाइज करें। मैं कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी डिटेल करवाऊंगा। अभी तो साइंस के चैप्टर भी आने हैं, एस्टेट में तो साइंस के चैप्टर भी आते हैं, ब्लड का हो गया, हार्ट का हो गया, ये सभी करवाया जाएगा। आप दिक्कत ना लें। अगर फिर भी किसी को बुक की ज़रूरत है तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ की एनसीईआरटी की कोई ईवीएस की बुक हो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला टॉपिक लेते हैं ब्रेल लिपि। सभी ने नाम सुना होगा ब्रेल लिपि का। ब्रेल लिपि एक व्यक्ति था जिसका नाम था लुई ब्रेल। यह फ्रांस का रहने वाला था, फ्रांस का रहने वाला था। लुई ब्रेल नाम मक व्यक्ति ने, यह फ्रांस का रहने वाला था, ब्रेल लिपि की खोज की थी। कब की थी? इसने 1821 में ब्रेल लिपि की खोज की, पर 1972 में इसको अपनाया गया। ये तो थी इसकी थोड़ी ही इन्फॉर्मेशन। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या चीज है ये, वो मैं बताता हूं। देखो स्टोरी से, एक लुई ब्रेल 3 साल का था। यह अपने पापा के औजारों से खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक इसकी आंखों में एक नुकीला औजार लग गया जिससे इसकी आंखों की रोशनी चली गई। इसकी पढ़ने में बहुत रुचि थी। इसने पढ़ने के लिए या अपनी आंखों के लिए बहुत प्रयत्न किए। आखिर में जाकर इसको एक सॉल्यूशन मिल ही गया, छूकर, किसी भी चीज को छूकर पढ़ना। क्या करना? छूकर पढ़ना, जिसे इसने उसको ब्रेल लिपि का नाम दिया। बात आई समझ में? ब्रेल लिपि क्या है? छू कर पढ़ना। ठीक है, यह एक मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु होते हैं, उन पर हम छू कर पढ़ते हैं। आप भी मान लो ये पेज लेना, इसमें से कोई भी अक्षर बनाना छू कर, या फिर ज्यादा जोर से लिखोगे आप, यहाँ पे उंगली फेरोगे तो आपको पता चल जाएगा, वही चीज ये ब्रेल लिपि है। ठीक है, देखो, मोटे उभरे हुए बिंदु होते हैं, ठीक है, कागज पर, ठीक है, ब्रेल लिपि क्या है? छू कर पढ़ना। बता देता हूं, चलो मैं, छू कर पढ़ना।
मेन चीज यह छह बिंदुओं पर आधारित है। डायरेक्ट आएगा, ज्यादातर प्रश्न यही पूछता है, ये तो आजकल सभी को पता है, ये नहीं पूछेगा डायरेक्ट, ये प्रश्न पूछेगा ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित है। कितने बिंदुओं पर आधारित है? छह बिंदुओं पर आधारित है। ठीक है, टॉपिक सभी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि ये टॉपिक कम है ये टॉपिक, ये है सभी इंपॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, आजकल तो कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि लिखी जाती है आजकल, कंप्यूटर के द्वारा भी ब्रेल लिपि लिखी जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक करते हैं। देखो अगला है अबू धाबी। सबसे पहली बात तो अबू धाबी पड़ता कहाँ? ये दुबई के पास सऊदी अरब में है। ठीक है, ये एक तरीके से पूरा रेगिस्तानी इलाका है। ठीक है, जहां पर भी रेगिस्तानी इलाका होगा वहां गर्मी तो पड़ेगी, यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात प्रश्न क्या आता है, यहां पर पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है। पानी से सस्ता पेट्रोल मिलता है, क्यों? क्योंकि हम जमीन में खोदते हैं तो जमीन में से पानी निकलने के बजाय यहां पर तेल पेट्रोल निकलता है। आई बात समझ में? देखो यह रेगिस्तान इलाका है, सऊदी अरब में है ये, दुबई के पास। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट आता है वो है यहां पानी से सस्ता क्या मिलता है? पेट्रोल, पेट्रोल मिलता है। क्यों? क्योंकि जमीन में पानी, लिख देता हूं चलो ये भी, जमीन में से पानी की बजाय तेल निकलता है, गर्मी यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी तो होगी, गर्मी ज्यादा पड़ती है। ठीक है, और दूसरी बात, जो यहां पर बिल्डिंगें होती हैं वो ऊंची ऊंची होती हैं और इनमें बड़ी बड़ी शीशे की खिड़की लगी होती हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं और बड़ी बड़ी शीशे की खिड़कियां लगी होती हैं। ठीक है, यहां पर लोग गर्मी से बचने के लिए ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, आपने देखे होंगे भाई, मुंह भी ढक के रखते हैं। ठीक है, पूरा शरीर ढककर रखते हैं। ठीक है, देखो इसमें मेन चीज क्या आती है, जो यहां की जो मुद्रा है, मुद्रा मतलब समझते हो आप, जैसे अपनी रुपया है, वहां पर उसको क्या कहते हैं? दीरहम। क्या कहते हैं? दीरहम। ठीक, यहां एक ही पेड़ होता है, कौन सा? खजूर का पेड़, खजूर का पेड़ होता है। ठीक, ये था अबू धाबी के बारे में भाई, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है तो ये तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती हैं
बड़ी 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 शीशे की खिड़कियां होती हैं, लोग अपने शरीर को ढककर रखते हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, यह एक रेगिस्तानी इलाका, मेन तो इम्पोर्टेंट यही है, यहाँ तेल से सस्ता पेट्रोल मिलता है और एक यहाँ खजूर का पेड़ होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला टॉपिक है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली क्या है? पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश राज्य के, पहले बता देता हूँ, पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग या ज़्यादा संख्या में बुनकर लोग हैं। ठीक है, तो इन बुनकरों को पोचमपल्ली के नाम से ही पहचाना जाता है। क्यों? क्योंकि उस कस्बे का, उस जगह का नाम पोचमपल्ली था, तो वहां पर बुनकर थे, तो उनको, बुनकरों को उस नाम से ही जानने लगे। तो उन बुनकरों का नाम क्या रख दिया? उस कस्बे के नाम से ही जाने लगे, पोचमपल्ली। ठीक है, इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद यह था बच्चों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना है कि जो भी पारंपरिक व्यवसाय है वो घर से ही सीखे जाते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत से काम किए जाते हैं, जैसे कालीन बनाना, खिलौने बनाना। ठीक है, देखो पोचमपल्ली कहां पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में पोचमपल्ली कस्बे के पास ही है। पोचमपल्ली क्या है? एक कस्बा आंध्र प्रदेश में। पोचमपल्ली कस्बे के पास है। ठीक है, पहली बात तो आंध्र प्रदेश राज्य में, दूसरी बात यहां पर क्या है? लोग बुनकर, बुनने वाले, बुनकर हैं लोग। इन बुनकरों को ही पोचमपल्ली नाम से जाना जाने लगा। इनका मेन मकसद क्या रहा? बच्चों का ध्यान, ये हिंदी में लिखना भी, बच्चों का ध्यान पारंपरिक व्यवसाय की तरफ आकर्षित करना था कि, आकर्षित करना था कि व्यवसाय घर से ही सीखे जाते हैं। ठीक है, मतलब कि पोचमपल्ली अपने कस्बे से ही मशहूर हुआ या जाना जाता है। ठीक है, जो उस जगह का नाम था उसी के नाम से यह जाना जाता है। इसी तरह पोचमपल्ली की तरह ही भारत में कुछ और इलाके हैं जिसमें कुछ खास चीजें बनाई जाती हैं और उन चीजों को उनके इलाके के नाम से ही जाना जाता है। मतलब कि इलाके का मतलब आप समझते होंगे, स्थान, प्लेस। जैसे कि मैं बताता हूं कौन कौन सी चीजें हो। नंबर एक, कुल्लू की सोल, कुल्लू की सोल, मधुबनी, पेंटिंग, असम की सिल्क, इनको एक बार पढ़ लेना, कुल्लू की सोल, मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई। कश्मीरी कढ़ाई, इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मधुबनी पेंटिंग। मेरे ख्याल से मैंने ये करवा दी है, अगर
मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, शायद करवा दी, अगर नहीं करवाई हो तो आप बता देना, ये करवा दूंगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से प्रश्न बनेगा पक्का। ठीक है, कमेंट्स में बता देना करवाई है या नहीं करवाई, नहीं करवाई होगी तो मैं करवा दूंगा इसको। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो अगला टॉपिक चांगपा, इंपोर्टेंट टॉपिक है, वैसे इंपोर्टेंट तो सभी ही हैं। देखो चांगपा, चांगपा यह एक सबसे पहली बात तो खास तरह की जाति है। क्या ये एक जाति है? ठीक है, यह लेह लद्दाख में रहते हैं। दूसरी बात, जो लेह में रहते हैं, ठीक है, मतलब समझते हो, लेह लद्दाख जहां पर बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, ये एक खास तरह की बकरी पालते हैं, जिससे या जिसके बालों से एक पश्मीना शॉल बनाई जाती है। क्या पालते हैं? एक खास तरह की बकरी। जिससे एक पश्मीना शॉल बनाई जाती है। अब ये पश्मीना शॉल है क्या? देखो इस पश्मीना के बारे में बताता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये तो आपको पता ही चल गया, यह बकरियों से कैसे। देखो, एक पश्मीना जो शॉल होती है वह 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है, मतलब कि हम जब 6 स्वेटर पहनेंगे तब जितनी गर्मी 6 स्वेटर बनाएगी या हमें गर्माहट देगी उतनी एक पश्मीना शॉल के बराबर होती है। 6 स्वेटर एक पश्मीना शॉल के बराबर होती है, इंपॉर्टेंट, मतलब कि 6 स्वेटरों के बराबर एक पश्मीना शॉल होती है। ठीक है, ये जो बकरियां हैं ये लगभग 5,000 किलोमीटर ऊंचाई तक रह सकती हैं, 5,000 मीटर तक, सॉरी किलोमीटर निकल गया, मीटर तक ऊंचाई पर रह सकती हैं, 5,000 मीटर तक ऊंचाई पर रह सकती हैं। तीसरी बात, यहां पर सर्दी तो आपको पता ही है ज्यादा पड़ती है, मतलब कि यहां पर तापमान बता देता हूं फिर भी, इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तापमान 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब देख लो कितनी सर्दी पड़ती होगी, चला जाता है यहां पर तापमान 40 सेंटीग्रेड तक चला जाता है। अब देखो जो बकरियां होती हैं इनके बाल बहुत नरम होते हैं, जो कि गर्मियों में आने पर झड़ जाते हैं। इनके बाल इतने पतले होते हैं कि इनके 6 बाल मिलाकर जितनी मोटाई होती है हमारे शरीर के एक बाल के बराबर होते हैं। इतने पतले होते हैं कि इनके 6 बाल मिलाकर हमारे शरीर के एक बाल की मोटाई के बराबर होते हैं। अगर इतने पतले बाल होंगे तो हम इनका प्रयोग मशीनों द्वारा नहीं कर सकते, तो मशीनों की बजाय हम इन शॉलों को हाथ से ही बनाते हैं। हाथ से बनाने में एक बुनकर को 250 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, देखो
इनके बाल बहुत ज्यादा नरम होते हैं, जो कि 6 बाल और हमारे 1 बाल की मोटाई के बराबर है। ठीक है, वो आप लिख लेना, पूरा लिखो तो मैंने बता दिया है। ठीक है, मेन चीज, इन 16 को हम हाथ से ही बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा पतले होने के कारण हम मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बुनकर को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, एक बुनकर को साधारणतया लगभग 250 घंटे लग जाते हैं, 250 घंटे लग जाते हैं एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए। शॉल बनाने के लिए देखो, मैं इसको फिर बता देता हूं। सबसे पहले तो यही आएगा, चांगपा क्या? चांगपा एक जाति है जो लेह लद्दाख में रहती है, खास तरह की बकरी है। फिर पूछेगा पश्मीना शॉल, पश्मीना शॉल कितनी स्वेटरों के बराबर? एक शॉल के बराबर है 6 स्वेटर। कितनी? 6 स्वेटर। इंपोर्टेंट। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछेगा, हमारे 1 बाल की बराबर कितने बाल हैं? 6 बाल फिर हैं। फिर पूछेगा, एक बुनकर को एक शॉल बनाने में, पश्मीना शॉल बनाने में कितने घंटे लगते हैं? ये प्रश्न पूछता काफी बार, काफी बार इंपॉर्टेंट है। 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने घंटे लगते हैं? 250 घंटे, 6 स्वेटर, 6 बाल, एक जाती है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर दिक्कत होती है। थैंक यू स्टूडेंट।